मैं संगीता राय पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस पोर्टल पर आपका स्वागत करती हूं और सीधे चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर जो आजमगढ़ से है। देखिए हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायकों ने आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देते हुए कहा कि सरायबीर थाना अध्यक्ष महाराष्ट्र सपा अध्यक्ष अबू आसिम आजमी को लगातार धमकी दे रहे हैं। सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि थानाध्यक्ष का कहना है कि समाजवादी पार्टी की नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जेल में डाल दिए जाओगे। इसी के साथ उनके परिवार और परिचित लोगों को परेशान किया जा रहा है। सपा नेताओं ने बताया कि पुलिस अबू आसिम पर लगातार दबाव बना रही है, जो पूरी तरह से गलत और अनुचित है। वहीं हवलदार यादव का यह भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में कुछ दिन पहले हत्यारोपियों को छोड़ दिया गया और अब महाराष्ट्र सपा के नेता और विधायक अबू आसिम आजमी पर पुलिस द्वारा 153 के तहत आईपीसी की धारा 504 मुकदमा दर्ज करना पूरी तरह से तथ्यविहीन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष और वहां से विधायक अबू आसिम आजमी के खिलाफ सरायमीर थाने के पुलिस ने उनके खिलाफ 153 का और 504 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिसका इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा सके। लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर के पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को धमकाने, हतोत्साहित करने के लिए बातें किया और इंस्पेक्टर सरायमीर ने हमारे प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और वहाँ के विधायक अबू आसिम आजमी से जिस तरह की बात किया वह मर्यादित, असंसदीय और लोकतंत्र के मर्यादाओं के विपरीत है। हम लोग एसएसपी साहब से मांग किए कि इस मुकदमे की विवेचना सही तरीके से की जाए। अगर इस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में आकर के मुकदमे दर्ज होंगे या लोगों को छोड़े जाएंगे तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र की हत्या हो रही है।